हेलो गाइज, आज मेरे पास है एक 30 साल पुराना ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी टेलीविजन जो कि आज से 30 साल पहले बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। आपको घर घर में इस तरीके का टेलीविजन देखने को मिल जाता था, लेकिन आप लोगों में से जिन लोगों का जन्म 2000 के बाद हुआ है उन लोगों ने शायद इस तरीके का टीवी चलते हुए नहीं देखा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली है और उन लोगों के लिए जिसका जन्म 90s में हुआ है, 80s में हुआ है, तो उन लोगों को थोड़ा यादाश्त ताजा हो जाएगा इस वीडियो को देखने पर। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, हम इसको फीचर देखेंगे इसका और इसके अंदर क्या है वो भी खोल के देखेंगे, तो आपको उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। हालांकि फीचर्स बोलने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इधर एक वॉल्यूम और ऑन ऑफ बटन है, इसके दोनों के अंदर कंबाइंड है ये, और उसके बाद ये है चैनल चेंजिंग नॉब, इसको रोटरी स्विच है जिसके वजह से आप चैनल इसका चेंज कर सकते हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा व्हील है जिसको आप घुमा सकते हैं, वो है चैनल फाइन ट्यूनिंग के लिए। शायद आपने इस नॉब से चैनल चेंज कर लिया, उसके बाद उसका जो क्लैरिटी वो मेंटेन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए इसके अंदर एक फाइन ट्यूनिंग नॉब होता था। उसके बाद इधर एक ब्लैक एंड वाइट एडजस्ट करने के लिए दो नॉब है, ये पूरा एनालॉग सिस्टम है उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे एक सिंगल मोनो स्पीकर है, और ये तो स्क्रीन ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीछे क्या है उसको हम देखेंगे, हमने इसको खोल के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। पीछे देखेंगे क्या है और इसके अंदर सर्किट में क्या है वो भी देखेंगे, तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि आज से 30 साल पहले टेलीविज़न का टेक्नोलॉजी कैसे हुआ करता था। और देखिए पीछे एक एंटीना भी है रेडियो फ्रिक्वेंसी कैप्चर करने के लिए। उस टाइम पे शायद एक ही चैनल हुआ करता था, डीडी नेशनल, जिसमें हम लोग शक्तिमान जूनियर जी और भी बहुत सारे चीज़ देखते थे उस टाइम पे। तो इसका एंटीना काफ़ी लंबा है तो इसको रख देते हैं, और यहाँ पे एंटीना लगाने के लिए एक चीज़ है, एंटीना का सॉकेट है, और ये हो गया पावर कोर्ड। तो इसको हम खोल लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में और देखते हैं इसका अंदर क्या है डिटेल में। इसमें कुछ टेक्निकल बातें भी होंगी, तो जिन लोगों को टेक्निकल थोड़ा समझ में आता है इसको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, तो देखते रहिए। आपको तो मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये हो गया इसका पिक्चर ट्यूब जो कि सीआरटी है, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, और ग्राउंडिंग के लिए जो मोटा सा बार है इसका चारों तरफ से। यहाँ पे चैनल ट्यूनिंग नॉब का अंदर का जो सर्किट है वो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, उस टाइम के टीवी में एसएमपीएस नहीं हुआ करता था। उस टाइम क्या होता था, शाम के बाद जब जो वोल्टेज है वो घट जाता था तो टीवी में पिक्चर में डिस्टर्बेंस आ जाता था, इसके लिए स्टेबिलाइजर यूज करना पड़ता था स्टेप अप करने के लिए। तो बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, जिन लोगों को नहीं पता इसके लिए बता रहा हूँ। ये हो गया टीवी का मदरबोर्ड, देखिए कितना सिंपल है, और इसमें आईसी कितने लगे हैं, चलिए देखते हैं आईसी कहाँ पर है। देखिए देखिए साला एक भी आईसी नहीं है, देखिए कितना पुराना बोर्ड है। यहाँ पे सिर्फ एक आईसी है, वो है सिर्फ ऑडियो के लिए, लेकिन ये जो पूरा टीवी का फंक्शन होता है ये पूरा ट्रांजिस्टर और डिस्क्रीट सर्किट के ऊपर हो रहा है। उस टाइम पे आईसी भी नहीं था टीवी में, ब्लैक एंड वाइट टीवी में यूज करने के लिए। पीछे भी देखिए सिंगल साइडेड बोर्ड है, इस साइड तो कोई आईसी नहीं है, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही आईसी है, वो है साउंड के लिए, लेकिन टीवी का जो कंट्रोल है उसके लिए कोई अलग से आईसी नहीं है। आजकल का जो टीवी आ रहा है, जिन लोग टीवी के टेक्नीशियन है उनको पता होगा कि एक मदरबोर्ड का आईसी होता है, मतलब मेन आईसी जो है, इसे मेमोरी के लिए आईसी होता है, वर्टिकल सेक्शन के लिए आईसी होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए ट्रांजिस्टर। हालांकि हॉरिजॉन्टल के ट्रांजिस्टर यहाँ पे है, ड्राइवर भी है, लेकिन ये पावर सेक्शन सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और भी कुछ आईसी नहीं है। तो ये हो गया इसका मदरबोर्ड, और यहाँ पे ये हो गया सीआरटी जो कि मैंने, यहाँ पे बेस बहुत ही सिंपल बेस है, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे देखने के लिए। एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न है, और यहाँ पे स्पीकर है। तो जिसको थोड़ा डिटेल में जानना है अब देखते रहिए, अब मैं डिटेल में बोल रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है।
यहाँ से पावर आता है, यहाँ से 230 वोल्ट एसी इनपुट होता है। ट्रांसफार्मर 18018, यहाँ पे 18 वोल्ट होता है। यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर सेक्शन है, रेक्टिफायर सेक्शन में जाता है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर सेक्शन है जो कि इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। लीनियर सेक्शन है, लीनियर सेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ईएसटी है, ईएसटी छोटा सा है, कलर टीवी में जितना बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा है, शायद 11 kV का होगा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये हो गया वर्टिकल और सिंक सेक्शन, यहाँ पे ऑडियो सेक्शन, और यहाँ पे आरएफ सेक्शन है। एग्जाम यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी आता है, फिर यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। ये पूरा ट्रांजिस्टराइज बोर्ड है, ये डिस्क्रीट बोर्ड है, और यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को होल्ड करने के लिए कुछ प्रीसेट वगैरह दिया हुआ है। तो ये हो गया मोटा मोटी टीवी का डिटेल्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और भी टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।